तो उसका उस तरफ जो शेड आप देख पा रहे हैं उस शेड में काम था और यहाँ जो अब ये नया शेड है यहाँ पे खुले एनिमल्स बंधे हुए थे जो मैंने वीडियो में आपने अगर आप लोगों ने देखा था तो वो दिख गया होगा और यहाँ पे इन्होंने ये नया शेड बनाया मैं लगभग एक एक साल प्लस के बाद आया हूँ लंबे समय के बाद यहाँ पे आया हूँ तो ये शेड देख के मेरे को अच्छा भी लगा कि भाई ने इतना ऊँचा और अच्छा बेस्ट शेड बनाया है तो इसका कितना क्या साइज़ है और ये हाइट वग़ैरह इन्होंने छोड़ रखी है वेंटिलेशन के लिए जो भी है सारा इनसे पूछते हैं और कोस्ट भी पूछेंगे इन्होंने क्या कोई लोन वगैरह बैंक से करवाया है या सब्सिडी वगैरह सरकार का कुछ क्या रहता है और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि ये शेड की ज़रूरत क्यों पड़ी और उस शेड में जो जो इन्होंने अपना काम चला रखा था उसको मैं यही कहूँगा ये शेड बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों रही है तो सामने कालू भाई बहुत बहुत स्वागत आपका जी आपका भी स्वागत है क्या कारण रहा आपने उस शेड से ये नया शेड बनाया है क्या कोई बैंक सब्सिडी आपको मिली है या फिर आपने अपने प्रॉफिट से बनाया है या फिर क्यों जरूरत पड़ी इस चीज़ को बनाने के लिए भाई साहब इसके बहुत से कारण हैं जी uh, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं जो है एनिमल संतुष्ट नहीं होता भीड़ भड़ाके में अच्छा जी हाँ जो जितने भी गायें हैं वो पहले हम बांध के रखते थे अब इस साइड में आने के बाद हमने खुला कर दिया है आज़ादी से घूमता है जी मर्जी से पानी पीता है मर्जी से खाना खाता है जी और मर्जी अपनी जहाँ उनको अच्छा लगता है वही जाके बैठता है अच्छा जी हाँ बिल्कुल हमने नेचुरल इनको गद्दा दे रखा है पक्का बिल्कुल नहीं है साइड हमारा अच्छा जी जी और इसमें जो है साइड का डिजाइन जो मैं आपको बता दू ये हमारा जो है तकरीबन एक फुट चौड़ा है अच्छा जी चौड़ाई में इस तरफ से देखे तो एक सौ पांच फुट है साइड एक साइड की ठीक है जी और इसकी लंबाई जो है वो एक सौ पच्चीस है लंबाई एक सौ पच्चीस फीट है, हाँ जी, थीके, है। थीके, और इसमें हमने अपने माइंड से ये न की कहीं डिजाइन देखा अच्छा जी ये सब मैंने अपने अपने दिमाग से खुद ही बनवाया है अच्छा जी खुद ही बनवाया हाँ ये जैसे मैंने इसका जो यहाँ हम प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं जी जी इस प्लेटफॉर्म से आगे जैसे ये पंद्रह फुट की जैसे हम छज्जी बोल देते हैं अच्छा जी तो ये छज्जी मैंने निकलवा दी अच्छा जी हाँ इसके दो तीन कारण है एक तो ये बरसात के मौसम में यहाँ बरसात नहीं आएगा ठीक है दूसरे नंबर पे यहाँ जैसे मशीन खड़ा हो जाता है ट्रैक्टर खड़ा हो जाता इसके है इसके नीचे ठीक है हाँ अगर फार्म पे आदमी कोई काम करने वाला है या मैं भी सोऊंगा कोई भी रेस्ट करने वाला है यहाँ कुर्सी भी डाल सकता है चरपाई भी डाल सकता है तो यहाँ ऊपर से ओस नहीं गिरेगा पानी नहीं गिरेगा तो ये एक्स्ट्रा स्पेस हो गया ऐसा है हमने पंद्रह फीट का उस तरफ आगे उस फ्रंट पे लगा रखा है ठीक है जी आगे वाले फ्रंट पे ठीक है और ये इधर और दूसरा नंबर हमने इसमें जितना भी इसका पानी आता है जितना भी इसका पानी आता है वो हमारे लास्ट में उधर में भी और उधर में वेस्ट गार्ड दोनों साइड में है। अच्छा जी हाँ वेस्ट गार्ड में पानी जाके और एक एक आगे चला जाता, जी। आ, फिर हो दूर निकल जाता है अच्छा दूर का सबसे बड़ा बेनिफिट की जितना भी है आपको मैं बता देता हूँ ये जो वेस्ट गार्ड लगा रखा है इसको अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं लोग बाग ये जो वेस्ट गार्ड है इसको पतनाड भी कह सकते हैं ठीक है, है जी। पानी का नाला भी कह सकते हैं ठीक है वेस्ट गार्ड भी कह सकते हैं ये वेस्ट गार्ड वहाँ से पानी जब भी बरसात होती है तो पानी इस वेस्ट गार्ड में आता है वेस्ट गार्ड का सारा पानी आगे चला जाता है ठीक है इसका बहुत बड़ा रोल है जब हमारा ये स्पेस जितना भी है ये हमारा खुला स्पेस जी बरसात के मौसम में अगर वेस्ट गार्ड नहीं लगाते तो सारा साइड का पानी यहाँ भरता यहाँ भरेगा ठीक है और यहाँ पे बहुत भारी किचड़ हो जाएगा अच्छा जी और वो किचड़ जाके एक डेढ़ महीने में सूखता है सूखेगा नहीं पूरी बारिश में ठीक है पूरी बरसात में वो तो बुरा हाल मचा देगा अच्छा जी हाँ और उसके अंदर गाँव में एक तो खुर की प्रॉब्लम और दूसरी मैस्टाइटिस की ये बन हाँ जी ये बन बन जाएगी जाएगी जी अब यहाँ पानी गिरता है तो दूर चला जाता यहाँ होता है यहाँ की सिर्फ बरसात बरसात का पानी रहता है और वो निकल जाता है हमने ढाल ऐसे बना रखा हाँ, है ये वेस्ट गार्ड भी है बहुत जरूरी है हाँ, ये वेस्ट, जो भी भाई साइड बनाना चाहिए वो वेस्ट गार्ड अवश्य लगाए अवश्य बनाए हाँ जी वेस्ट गार्ड आप नहीं लगाओगे तो आपकी किचड़ बहुत ज्यादा पूरी साल नहीं सूखेगा अच्छा और हाँ अभी जो हमने है ना इनको एक साइड को हमने जो वहां पे जो पे मिल्किंग या चारा खाती है वो मैं आपको अभी चल के दिखाऊंगा हमने नेचुरल गद्दा दे रखे इनको नेचुरल गद्दा मैं कहता हूँ जैसे ये वाली मिट्टी है ये देखो ये जो नेचुरल गद्दा है ये ये प्राकृतिक ने जो है ना हमको इसी जगह पे पैदा किया है हमारे कि क्षेत्र में ये जो बाड़ू मिट्टी कहें या सैंड कहें या ये मिलती है हमारे यहाँ पे बिल्कुल हाँ, ये बेड जो है पानी जल्दी सूख जाता, सूख जाता है जाता और है, नहीं है पानी। ये ये बेड जो है इनका बेड जो बेड बोलेंगे इनका बैठने का हाँ, ये बेड इनका स्पेशल है यहाँ अच्छा जी हाँ मेरे मैस्टाइटिस पूरी साल नहीं होता फार्म पे एक बीगा को अच्छा जी सिर्फ कारण यही है कि मेरा बेड अच्छा है अच्छा जी बोल सूखा बेड है

लेकिन हमने वो भी पक्का नहीं किया है लोग करते करना भी चाहिए करना चाहिए करना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है क्यों भाई सिर्फ चारा चारा खाती है यहाँ तो आके अच्छा चारा, -चारा। आ, लेकिन वो भी मैंने कच्चा ही रखा है क्योंकि मैं तो पसंद कच्चे को करता हूँ अच्छा जी ये हाँ, कारण है सिर्फ मेरे को सिर्फ पसंद कच्चा है ठीक है जी अच्छा दूसरा नंबर पे जो है हमने जो प्लेटफॉर्म है इसकी सोलह फुट जो है वो चौड़ाई छोड़ी है यहाँ पे अच्छा सोलह फुट चौड़ाई क्यों का क्या कारण है सोलह फुट जो है इसमें अगर हमने मशीन टी चलानी पड़ती है तो वो इजिली आ जाती है ट्रक्टर ले हुआ हाँ ट्रैक्टर लेके आप इसके अंदर घूम सकते हो आराम से ठीक है जी स्पेस भी आप इसमें कुछ सामान भी रख सकते हो जैसे अभी हमारा बीच में सामान पड़ा हुआ है है बिल्कुल जी है। हाँ जी ठीक बीच में दूसरे नंबर पे हमने जो ये 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 वाली खोर खोर जो बनाई है अच्छा जी ये खोर। इसको जैसे हम खुरली भी कहेंगे ठीक है इसको अक्सर क्या लोग करते हैं ये प्लेटफॉर्म जो ये है ना यहाँ से लेके वहाँ तक अच्छा जी इसको बिल्कुल सुधा रख देते हैं यहाँ तक अच्छा जी जी तो उस उसपे जब जानवर इधर से मुंह देता है गाय जैसे मुंह डालेगी चार खाने के लिए तो खाती है तो चारा इधर तक आ जाता है सरके का बिल्कुल सरके का बा, बाद में उसकी पहुंच से दूर हो जाता है बिल्कुल जी और वो वेस्ट ही चला जाता है हाँ, वेस्ट भी या फिर लेबर लगे उसको सर हाँ, सर में और ये हमने ये यहाँ से ऐसे बिल्कुल फ्लैट लगवा दिया जी। और छह इंच का ये यह ढाल यहाँ लगवा दिया और ये नौ इंच का है हमारा अच्छा जी ये ये तकरीबन एक फुट के आसपास है ठीक है जी बहुत बढ़िया। और ये हमने टाइल इसमें यूज इसलिए किया है कि गंदगी ना फैले ये जो अपनी वेस्ट टाइल है जो छत पर लगती हैं। है आज हाँ हाँ। आजकल लोग छत पे लगाते हैं टाइलों को हाँ जी ये ना के बराबर रेट होते हैं कोई इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं आती बिल्कुल जी ये ये जो चीज है ना ये इसमें एक तो गंदगी कभी नहीं बनता अच्छा फंगस नहीं लगती सफाई बरसात के मौसम में फंगस बन जाती है अच्छा जी और फंगस बहुत बड़ा रोल है एच एफ गाय के फार्म पे हाँ, जब आपका अगर फंगस आ गया तो आपको मैस्टाइटिस ऑटोमेटिक बुलावा दे देते हो आप मेस्टाइटिस हाँ मेस्ट्राइटिस को बुलावा दे देते हैं फार्मर लोग फंगस को नहीं देखते अच्छा हाँ बरसात के मौसम में सूखा चारा जो रहता है वो भी भीग जाता है अच्छा और हमारी जो खुरली रहती है वो भी भीगी रहती है और मक्खियां भी बैठी रहती है बिल्कुल गंदगी फैल जाती है फंगस आ जाता है ठीक है तो दूध में भी जो है ना टॉक्सिन वोक्सिन बढ़ जाता है प्रोफेशनल बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है तो आप ये लगा के रखे फार्मर लोग की मेरी स्पेशल जो है ना स्पेशल एक सलाह आप जब भी आप जो नया बनाना चाह रहा जरूर लगाए टाइल लगाए। बहुत, बहुत ये बिल्कुल साफ रहती है ठीक है इसके आपने अलग अलग बाड़े बना रखे हैं जी इसके पीछे क्या रीजन है देखो आप आ जाओ मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ जी हाँ जी जैसे हमने ये जो साइड बनाया है इसमें जो ये हमने बाड़े बनाए हैं जी तो जहाँ शेड यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा हाँ खत्म हो गया हाँ जी।, है जी, तो शेड यहाँ पे खत्म हो गया इससे हमने जो है ना इसको पैंतालीस फुट ले रखा है और लंबा हाँ और आगे लंबा पैंतालीस फुट खुला और खुल्ला हाँ पचास फुट अंदर में जो है ना पैंतालीस अंदर बचता है कुछ वहाँ पर कट गया है अच्छा जी तो पैंतालीस खुला पैंतालीस बंद अच्छा जी तो जब ये इनका जब मन करता है अंदर बैठ जाती है और ब्लॉक वाइज इसी अनुसार छोड़ रखे हैं और कुछ एक बाहर चली जाती है बाहर हाँ, दे, बिल्कुल देखो सुखा है अब। बिल्कुल सूखा है हाँ बिल्कुल भूरा मिट्टी जिसको कहते हैं ना गद्दा इंसान भी लौट सकता है इसमें बिल्कुल साफ है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी और ये ये जो है ये हमने छोटा जो एक है ये हमने ताकि लगा रखी है ये लगभग सभी कॉर्नर पे है हाँ ये सभी कॉर्नर कोर्न, पे चारों कॉर्नर पे सभी में है ठीक तो इसको क्या करते हैं जैसे बार बार जो है ना इसको हम जब भी काम नहीं होता तो इसको लगा देते हैं ठीक है अच्छा इसके अंदर से जब गोबर निकालते हैं तो गोबर इसी के अंदर से निकल जाता है अच्छा इससे निकल जाता है बड़ा बड़ा गेट खोलने की जरूरत नहीं ये बड़ा गेट जो इसलिए छोड़ रखे हमने ट्रैक्टर घुसाने के लिए अच्छा ये ट्रैक्टर घुसाने के लिए हाँ जी यहाँ पे गेट छोड़ ये ये दस फुट का गेट जो हमने ट्रैक्टर मिट्टी ले जाता है ठीक है तो इसलिए छोड़ रखे और ये जो है ये हम जो गोबर निकालते हैं या फिर हम खुद भी जाते आते रहते हैं अच्छा जी 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 आ जाओ अंदर ठीक है हाँ जी। एक ये ये जो आपने ये पिलर लगा रखे हैं जी ये कितने गैप पे हैं ये तकरीबन तकरीबन हमारे 20 फुट पे हैं लगभग 20 फुट पे हैं हाँ ये ये पिलर से पिलर दूरी जो है 20 फुट है अच्छा 20 फुट है जी ठीक है बीस पे कोई दिक्कत नहीं है एक परसेंट भी दिक्कत आता नहीं बीस पे अच्छा बीस पे कोई दिक्कत नहीं है और ढाल जो इस साइड का है वो है। है। देखो सीधी बात आप हाँ कहीं भी चेक कर सकते हो आजकल परसेंट 20... नहीं होगा तो गर्मी बढ़ेगी गर्मी जाएगी सर्दी भी बढ़ेगी अच्छा जी सर्दी के मौसम में सर्दी बढ़ेगी गर्मी के मौसम में गर्मी बढ़ेगी अच्छा हाँ हम जैसे अक्सर जो पुराने जमाने में देखते थे जो डेजर्ट जो प्लेस थे नहीं बेटा जो डेजर्ट पेलेस थे तो उसके अंदर क्या करते थे जैसे राजस्थान में हम जाते हैं या हरियाणा में पहले देखते थे हमारे गांव में भी थे अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया तो मॉडर्न मकान बन गए नहीं पहले झोपड़ी ऐसे बनाते थे झोपड़ी कच्चे छप्पर जिनको बोलते थे ऐसे झोपड़ी होती थी उसका रीजन यही था बनाने का कि गर्मी के अंदर जब सूर्य जब प्रकाश डालता है जब किरणें आती हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ से गिर के जब हमारी शेड ऐसे होगी ना तो अच्छा उस उसपे गर्मी जैसे किरण वहां से आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर दूर चली जाएगी।, हो जाएगी अगर आप हमारे फ्लैट होगी तो अंदर से पार देती डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं हो नहीं होगी होगी बिल्कुल सबसे बड़ा कारण है अच्छा सबसे बड़ा कारण अगर आपका 20 परसेंट ढाल नहीं है सेड में तो आपकी सेड में एच एफ गाय भैंस का फार्म हो या बकरी का फार्म उसके लिए कोई सुटेबल है ही नहीं वो सुटेबल नहीं है अगर आपको 20 परसेंट ढाल नहीं है तो अच्छा जी 20 से भी प्लस कर देना चाहिए मेरा 20 से प्लस है 22 है ये अच्छा जी हाँ मेरा बाईस है बाईस है ठीक बिल्कुल ये जो है ना ये जो टीन लगाने वाले मिस्त्री ने मना कर दिया था मेरे को अच्छा जी लगाऊंगा नहीं बोला अच्छा। गिर जाएगा मगर वो मेरी जवाबदारी हाँ, का डर का डर रहता है लेकिन ढाल देखो वहाँ से कितना है बिल्कुल वहाँ से मेरा सेट जो है ना वो पूरा तीस फुट है वहाँ से बीच से यहाँ लेवल देखो उसका तीस फुट ऊपर है वो बीच अच्छा, बीस से तीस फीट आपका तीस फुट है और साइड में कितना ये साइड में मेरा फुट है यहाँ से यहाँ तक ये पंद्रह फीट आ आज पंद्रह फुट वहाँ तीस फुट है ठीक है जी जी और मैं आपको ये पानी का सिस्टम जो हमने लगा रखा है आपको दिखाई देता हूँ आ जाओ ये अपने बीच में ये एंगल लगा रखे हाँ ये बीच में जैसे ये जो है इनको ब्लॉक बोलते हैं अच्छा काची भी बोल देते हैं इनको ठीक है ये कैची हो गए हाँ, कैंची या ब्लॉक दोनों चीजें बोल सकते हैं हम ठीक है जी। ये जो हमने है ना ये एक फुट चौड़ा बना रखा है और इंच इसमें तकरीबन आठ आठ इंच के गुटके हैं छह जी जी और ये जो पर्लिंग की दूरी है ये तकरीबन साढ़े पांच फुट है अच्छा जी जो ये जो ये ऐसे ऐसे रो है ये साढ़े पाँच से छह फुट है पक्का मेरे को पक्का नहीं पता साढ़े पाँच फुट का ठीक छुट ये छह से कम है ठीक है जी 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 और ये पानी का हमने ऑटोमेटिक लगा रखा है अच्छा जी हाँ ये जैसे भी गाय पीती रहती है तो देखो अभी ये गाय जैसे पी रही है पानी पीना चालू कर दिया इसने अच्छा तो ये, ये जो है ना ये वाला फुटबॉल ये हमारा बड़ा टैंक से जो है वो है तो ये जैसे पानी का लेवल नीचे चला जाएगा तो पानी ऑटोमेटिक चालू हो जाता है अच्छा जी और पानी अब छोड़ते ही पानी बंद है बंद हो गया जी थे, ये ऑटोमेटिक चलू हो जाएगा जैसे गाय पानी पिएगा तो कम हो जाएगा फिर बंद हो जाएगा ये ये जो है ये एक कंपनी होती है डी लेवल अच्छा जी हाँ उसका अगर हम खरीदते हैं तो ये हमको पड़ता है पैंतालीस हजार रूपये का अच्छा जी हाँ ये कॉस्ट ये फार्मर लोग अवश्य देखें ये चीज बहुत अहम चीज़ है अच्छा जी अगर आप किसी भी कंपनी का लोगे तो चालीस हजार रुपये कास्ट है इसकी और ये सिर्फ हमने हजार रुपये का बनाया है अच्छा जी कैसे क्या ये, ये एक हजार रूपए का लोहे का इसमें एक सिर्फ और बीस फुट का पाइप लगा है ठीक है जी और ये हमारा एक प्लास्टिक का ड्राम जो छह सौ रूपये मिलता है अच्छा जी ठीक हाँ, है और सौ रूपये का वाल लगा सो रूपए का वाले हजार हाँ, रुपए में ये कम्पलीट हो गया चालीस हजार की चीज हमने हजार में तैयार कर रखी अच्छा जी हाँ जी ये डी लेवल कंपनी का चालीस का आता है बहुत बढ़िया हाँ जी ये हजार ये सिर्फ अपने दिमाग की खोज है दिमाग की खोज गए आप लंबे टाइम से काम कर रहे उसमें ये, ये हो उसमें ये तजुर्बा तजुर्बा मैंने आपको पहले बोल दिया था कि बच्चा जन्म लेता है जो पोतड़े में रहता है बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल और 20 साल का जो जवान जो बच्चा रहता है वो पेंट बुशुट UH है है। पहले अब दो साल का बच्चा जो पोतड़े में रहने वाला अगर मेरे से आके कहेगा तू भाई मेरे बराबर है तो भाई मैं तो पेंट बुसर्ट पहने लग गया पेंट वह मैं तो बच्चा नहीं भाई मैं पोतड़े में थोड़ी हूँ दो साल पहले काम स्टार्ट किया है तू क्या जानेगा इन चीजों को बिल्कुल मेरा बीस साल का तजुर्बा है ये ये पैसे बचाने की बहुत बेहतरीन चीज आपने बताई ये सेट जो है लोग बाग जो है इस सेट के ऊपर करोड़ रुपए लगा देते अच्छा जी ये साइड सिर्फ मैंने जो है ये अपने तकरीबन नॉर्मल चालीस लाख के मेरी इस पे लागत आई है टोटल खर्च सारा लो सब हाँ लोन चालीस एक लाख रुपए खर्चा आया है और ये नहीं तो करोड़ रुपए से ऊपर जाना था लेकिन मैंने अपने खुद के माइंड से खुद करवाया मैंने सिर्फ वेल्डर पकड़े है मिस्त्री नहीं अच्छा जी मैंने जो है ना सिर्फ वेल्डर पकड़े हैं मिस्त्री नहीं पकड़े मिस्त्री नहीं पकड़े नहीं मैंने सिर्फ पकड़े मतलब आपने हाँ जी इंजीनियर नहीं इंजीनियर की जरूरत ही नहीं है बीस साल का तजुर्बा इंजीनियर तो मैं खुद ही हूँ बिल्कुल, बिल्कुल हाँ जी सही मेरे को इंजीनियर की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल जी बहुत बढ़िया बिल्कुल बहुत अच्छा एक तो कल भाई इसमें फोगर वगैरह आपने कहा लगा रखे हैं देखो फोगर में बिल्कुल नहीं लगा रखी जी मैंने अच्छा जी हाँ फोगर की एक्चुअली जरूरत नहीं होता है आजकल क्या है ना ये जो सोशल मीडिया का जमाना है लोग देखम दाख ज्यादा कर रहे हैं भाई जो चीज देख लेते हैं उसी की तरफ दौड़ने लग जाते हैं अपना दिमाग स्वयं लगाते नहीं अच्छा जी फोगर की कोई आवश्यकता नहीं है आपका अगर खुला है तो फोगर की कोई जरूरत नहीं फोगर की जरूरत ही नहीं जी है। फोगर अगर हम लगाएंगे तो उसकी हानिया ज्यादा है फायदे कम है क्या क्या फायदे भी है और हानिया भी है लेकिन हानि ज्यादा है हानि ज्यादा है हानि ज्यादा फोगर जहाँ चलेगा वहाँ नमी पैदा हो जाएगी ठीक है जी और नमी पैदा हो जाएगी एच एफ गाय के अंदर नमी पैदा होना एक खतरे का संकेत है अच्छा जी हाँ जी डॉक्टर साहब भी नहीं है हाँ जी ये जो है इसके अंदर अगर आपका गिल्ला हो जाएगा ना अगर स्पेस आपका गिल्ला होगा गाय वहां पे आके बैठेगी तो बैक्टीरिया फैल जाते हैं ठीक और जा। मेस्ट्राइटिस की शिकायत उनको जाती नहीं है अच्छा अक्सर मैं देखता हूँ लोगों के जिनको फोगर लगे हैं हाँ। उनको मेस्ट्राइटिस पूरी साल नहीं जाता मेरे पूरी साल मेस्ट्राइटिस आता ही नहीं अच्छा जी हाँ जी तो मैं फोगर पंखे कूलर कुछ नहीं लगाता पचास लीटर दूध साठ लीटर दूध मेरे बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में दे देती हैं क्योंकि मेरे पास इन्वायरमेंट अच्छा है बिल्कुल यहाँ यहाँ तो बिल्कुल हमारे पास तो शिमला बना हुआ देखो कितने पेड़ पौधे हैं क्योंकि तो हमारे पास हाईवे रोड जो है हमारे बिल्कुल नजदीक से जा रहा है बिल्कुल और सरकार ने हमारे पेड़ पौधे लगा के दे रखे सरकारी पेड़ पौधों की भरमार भरमा गर्म ठंडी दोनों से दोनों वहाँ से प्रदान हो जाते और मैंने भी अक्सर पौधे अभी लगा दिए फार्म पे कितने ठीक है जी हाँ जी तो ये सब नेचुरल है तो ये पीछे पाइपलाइन दिख रही है ये ये मिल्किंग मशीन है जी ये मैंने लगा रखा जो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा जी ये देख के ये जो है ये मिल्किंग मशीन लगी हुई है अच्छा ये मिल्किंग मशीन लगा जी इसी का फिटिंग है इधर भी और इधर भी मिल्किंग हम यहीं कर देते हैं सुबह शाम अच्छा यहीं पे हो जाता है हैं यहीं पे हो जाती है अभी मैं पार्लर लगाने वाला हूँ तकरीबन दो तीन महीने में मिल्क पार्लर तो मेरा लग जाएगा वो उधर लगेगा साफ सफाई चल रही है उधर में अच्छा जी हाँ तो उधर मिल्क पार्लर लगाएंगे बस अब जल्दी अच्छा जी बहुत बढ़िया तो इस साइड में क्या फर्क आपको लगा देखो इस साइड में एक तो पशु जो है वो ताजा अच्छे हो गए ताजा का मतलब स्वस्थ ज्यादा है स्वाद ज्यादा है हाँ, मिल्क स्वा... भी ज़्यादा होगा मेरे आ, से कुछ कुछ मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ गया बढ़ गया कुछ गर्मी भी कम लगता है बड़े से पानी आ जाता था। जी। तो पानी भी ज्यादा इनको पिया बीमार भी कम हुआ एक साल के दौरान मेरे को एक साल हो गया यहाँ पे अच्छा अभी एक साल हो जाएगा हो लिया एक साल इसको यहाँ पे आए हुए इस फार्म को तो एक साल के अंदर मेरे को बहुत से बेनिफिट देखने को मिले गाय जो है हिट पे भी टाइमली आ रही हैं अच्छा जी क्योंकि खुली रहती है एक्सरसाइज ज्यादा हो जाती है खुली हाँ। बहुत फ़ायदा है। खुली गाय का फार्म ही आपको बांध के नहीं खुला रख के चला मेरे आ, को बांध के मेरे को जो अभी? है ना तकरीबन सोलह सत्रह साल बांध के मैंने रखा एक साल खुला रखा अभी एक साल हुआ है तो लेकिन अब मेरे को पता चला कि खुले में कितना बेनिफिट है और बंदे में कितना बेनिफिट मजा आ गया ठीक ठीक हाँ है थी, है है हाँ, इसमें बिल्कुल स्वस्थ सारी महीने से किसी गाय को कोई टिका लगाया अच्छा नहीं जी। हाँ जी। है अच्छा, पानी की हाँ व्यवस्था दिखा देता हूँ मेरे पास जो स्टोर टैंक है ये भाई ने खुला इलाका रखा है जी ये हमारे पास जो है ना ये जाने के लिए खुला है फार्म के जो तीस फुट जगह है ना ये पूरी साइड अच्छा हाँ और ये वाला जो है, ये वाली जो है हमने बना रखी है इसकी तकरीबन तकरीबन हाइट है पच्चीस फुट के आसपास पास है साइड अच्छा चौबीस पच्चीस फुट इतनी एक दो तीन चार सात फाट में फार्म चार फुट का होगा सात चौका अठाइस फुट है कितने लीटर पानी का स्टोर ये चौदह हजार लीटर पानी आता है इसके अंदर चौदह हजार लीटर हाँ जी तो तकरीबन चौदह हजार लीटर घंटे चल जाता है।, चल जा। जी। 24 में पी जाते है तो हम तो इसमें जैसे बारह तेरह घंटे में ही भर देते हैं अच्छा हाँ यही बोर है तो इससे चला जाता है पानी है। बिल्कुंण खाली होते चल जाता है ठीक है ये लोहे का है या और किसी मेटल का बना हुआ नहीं ये लोहे की है भाई साहब अच्छा लोहे की बनी कितने साइज में ये ये तकरीबन साढ़े तीन फुट चौड़ी और मेरे पास तो जैसे ये है लंबाई के अंदर तो शायद पता नहीं अठारह अठारह बीस बीस की ऐसी कुछ लगी हुई अठारह बीस के अंदर ज्यादा हाँ लंबाई का पता नहीं लेकिन चौड़ाई इतनी है लोहे की है अच्छी है ये जो जिंदल की लगा रखी है हमने ठीक है हाँ जिंदल का मेटल ठीक है किसी ने बताया इसलिए हमने जिंदल यूज़ कर लिया और लोहा है वो सारा टाटा का है जी जी ठीक